राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर 22 जुलाई को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली थी, लेकिन नीतीश कुमार ने एक दिन का इंतजार नहीं किया और 21 जून को ही ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को वोट देगी। नीतीश का ये ऐलान किसी को सरप्राइज करता हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि नीतीश की बीजेपी से नजदीकियां काफी वक्त से सुर्खियों में बनी हुई है और अब लग रहा है कि बिहार में महागठबंधन अंतिम सांसें गिन रहा है। लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार लगातार करप्शन के आरोपों में घिरते चले जा रहा है। ऐसे में नीतीश ऐसे सरकार के मुखिया बनते जा रहे हैं जिसकी सहयोगी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। हालांकि बीजेपी अभी तक नीतीश पर चुप है, लेकिन इससे उनकी साफ सुथरी छवि पर असर पड़ सकता है। अब जिस अंदाज में विपक्ष की मीटिंग का इंतजार किए बिना नीतीश ने एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है, उसके संकेत ये माने जा रहे हैं कि नीतीश और लालू और ज्यादा दिन साथ नहीं रह सकते। गौरतलब है कि कुछ वक्त पहले नीतीश ने बयान दिया था कि वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं है, जबकि उन्हें 2019 के लिए विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कहा जा रहा था। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अपनी महत्वाकांक्षा को परे रखकर नीतीश एनडीए के साथ आने वाले हैं?